विरुष्का की शादी ने इन दिनों खूब सुर्खियां बिटोरी है। अभी दिल्ली में रिसेप्शन हुआ है, इसके बाद अब इनका वेडिंग रिसेप्शन होने वाला है 26 को मुंबई में। लेकिन जनाब, जहां पर एक तरफ इनकी रॉयल वेडिंग रही, तो जनाब अब तैयार रहिए एक दूसरी रॉयल वेडिंग के लिए। बहुत जल्द शादी कर रही है सोनम कपूर। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ अभिषेक। आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। बात चल रही है सोनम कपूर के बारे में। जी हाँ, वैसे तो सोनम कपूर के शादी की खबरें आती रहती है, लेकिन जनाब इस बार तकरीबन पक्का माना जा रहा है कि 2018 में ये दोनों शादी के बंधन में बंध जाने वाले हैं। अब आप पूछेंगे कि भैया इस बार कंफर्म कैसे कह रहे हो, तो जनाब ऐसा है कि इन दोनों ने राजस्थान के जोधपुर शहर में एक रॉयल लोकेशन बुक करवाई है अपनी शादी के लिए। जी हाँ, कपूर खानदान की बेटी सोनम कपूर अपने बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा को डेट कर रही हैं और इन्हीं के साथ होने वाली है इनकी शादी। 3 साल से दोनों रिलेशनशिप में हैं। आनंद आहूजा की बात की जाए तो ये दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन हैं जो कि एक फैशन ब्रांड चलाते हैं। और जनाब अब इन दोनों की वेडिंग बनने वाली है रॉयल वेडिंग। जहां तक बात है आनंद आहूजा की, तो जनाब इनके हर साल का टर्नओवर है 28 अरब रुपए। और सोनम कपूर के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इन दोनों की वेडिंग का खर्चा इतना कैसे आने वाला है। वैसे आपको एक और टेक्निकल पॉइंट बता दूं, जोधपुर में इन्होंने जो वेडिंग लोकेशन बुक करवाई है वो है उम्मेद भवन पैलेस। सूत्रों के मुताबिक उम्मेद भवन पैलेस में ये रॉयल वेडिंग होने वाली है, और ये उम्मेद भवन पैलेस अपनी भव्यता, अपनी शान और शौकत और अपने इतिहास के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उम्मेद भवन पैलेस होटल वर्ल्ड के दूसरे पसंदीदा होटल्स में से एक है। तो कुल मिला के 2018 में होने वाली है एक और रॉयल वेडिंग सोनम कपूर की उनकी दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन आनंद आहूजा के साथ, वो भी जोधपुर के रॉयल डेस्टिनेशन उम्मीद भवन पैलेस में। फिल्मी बीट के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।